वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है एजुकेशन के 86 में। आज हम बात करेंगे इंडियन इलेक्शन 2019 के एक ऐसे टॉपिक पे जहां से क्वेश्चन आपके आज आरआरबी जेई में पूछे गए हैं। तो चलिए, ये हर वो एग्जाम में जितने भी अभी शिफ्ट होने वाले हैं उनमें से जो भी टॉपिक मुझे लगेगा कि स्टैटिक जीके का आपको बताना चाहिए उसका टॉपिक मैं लेकर शाम को जरूर आऊंगा, शाम को 7:30 बजे एजुकेशन के 86 पे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं आज एग्जाम में जो कि पूछे गए हैं कि लोकसभा में इस राज्य की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की या राज्यसभा की इस राज्य में कितनी सीटें हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखेंगे आज इस पूरे सिनेरियो को, और ये कोई क्यूज नहीं है, इसको आप अपना पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, आप इसको अपने पास रख भी सकते हैं अपने मोबाइल में। तो चलिए हम जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा से इंपॉर्टेंट कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में भी, और लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं ये सभी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाएं और सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि आरआरबी जेई का जो फर्स्ट शिफ्ट का आज जीके का क्वेश्चन सिनेरियो था, ये लगभग 50 प्रश्न है जो कि हमने शेयर किए थे आपसे एनालिसिस के रूप में इसको, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड पूछे गए हैं, इसलिए ये वीडियो आज आपके सामने बनाकर लाया हूं। शाम के 7:30 बजे जो स्टैटिक जीके का क्लास रोज देते हैं, इस वीडियो को जरूर देखा करें, आपके एग्जाम में एटलीस्ट हर दिन आपको 1 से 2 नंबर देकर ही जाएंगे। चलिए हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पर जो कि आज आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते थे और पूछे गए भी हैं एक्चुअली। ठीक है, देखिए, हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 3 भाग में डिवाइड है, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इसके बारे में हम सारी जानकारी देंगे। देखिए, यहाँ पे हिंदी में भी आपको है, कोई स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट नहीं करेगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों दीजिए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। ठीक है, अब जो 552 सीटें हैं टोटल हमारी लोकसभा की ओवरऑल, ठीक है, और कितना है हमारा लोकसभा में 552, जिसमें कि 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों का प्रतिनिधि करते हैं और 20 सदस्य जो हैं वो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि जो यूनियन टेरिटरी होते हैं ये हमारे उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके अलावा जो 2 सदस्य होते हैं वो एग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिला के यहाँ पे 552 सीटें होती हैं जो कि आपके लोकसभा की होती हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, यहाँ पे होती है टोटल 250 सीटें राज्यसभा की। किसी भी आपको ये जो मतलब क्वेश्चन में अगर पूछा जाए ऐसा कि राज्यसभा की कितने कुल सीटें हैं तो आपको 250 बतानी है, 250, ठीक है, जिनमें कि 238 जो हैं वो आपके जो शुड बी रिप्रेजेंट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी एंड द 12 मेंबर शुड बी नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट। यहाँ पे जो 238 जो कैंडिडेट हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 12 होते हैं इसमें वो कहाँ से आते हैं, उनको कौन नॉमिनेट करता है, तो उनको नॉमिनेट करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। ओके, अब उसके अलावा बचे 4 सदस्य, तो ये जो 4 सदस्य होते हैं 4 मेंबर ये यूनियन टेरिटरी और 12 मेंबर जो होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं वो इसमें शामिल है राज्यसभा की सीटों में। अब आगे हम बात करेंगे सारे क्वेश्चंस के, ठीक है, आज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं आरआरबी जेई में, तो इस वीडियो को देखिएगा अंत तक क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाने वाले हैं आपके आने वाले सिनारियो में। देखिए, मैंने क्या किया है, यहां पे टेबल से बना दिया है, और आपको यहां पे अंडमान निकोबार आइसलैंड से शुरू करते हैं, ए से है, अल्फाबेटिकली सारा चीज़ हम बता देंगे यहाँ पे कौन कौन से स्टेट में कितनी लोकसभा की और कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। ये आप अगर अभी नोट करना चाहते हैं तो नोट करते रहिए, अन्यथा इसका पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसका लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा में इसकी कोई सीटें नहीं है। आंध्र प्रदेश में चलते हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं लोकसभा की सीटें, वहीं राज्यसभा में 11 सीटें होती हैं। अरुणाचल प्रदेश, देखिए यहाँ पे 2 सीटें हैं मात्र और राज्यसभा में 1 ही सीटें हैं यहाँ पे। ओके, असम में चलते हैं, तो असम में 14 सीटें हैं लोकसभा की और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। याद रखिएगा, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह में उठकर एक बार इस पूरे पीडीएफ को याद से रट के जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है। बिहार की अगर बात करें तो देखिए, बिहार में थोड़ा ज़्यादा है सीट यहाँ पे लोकसभा का, लगभग 40 सीटें होती हैं और 16 जो हैं यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं।
चंडीगढ़ की बात करें तो एक है यहाँ पे लोकसभा की सीट और यहाँ पे जो अभी यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे राज्यसभा की कोई सीट नहीं रखी गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं जहाँ पे 11 है लोकसभा की और 5 है राज्यसभा की। दादर नगर हवेली यूनियन टेरिटरी है हमारा, तो ये एक सीट है आपका लोकसभा का और यहाँ पे कोई सीट नहीं है आपके राज्यसभा में। दमन एंड दीव की बात कर लें तो यहाँ भी एक लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। अभी तक देखिए जितने भी टेरिटरी मैंने देखे हैं आपको ऊपर भी और अभी भी, इसके राज्यसभा में कोई सीट नहीं है और सब में एक एक लोकसभा की सीटें हैं। गोवा आते हैं तो गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं और 1 राज्यसभा की सीटें हैं। गुजरात की बात कर लें तो यहाँ पे 26 हैं लोकसभा की और 11 हैं आपके राज्यसभा की। हरियाणा चलते हैं, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें होती हैं और 5 होती हैं दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा की। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, 4 लोकसभा की हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं हिमाचल से। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये बना हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, तो 4 हैं और यहाँ पे 3 हैं, नोट कर लीजिएगा। पंजाब का भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, वो आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा हैं और 4 राज्यसभा की हैं। झारखंड में 14 हैं लोकसभा की और 6 हैं आपकी राज्यसभा की। कर्नाटका की बात कर लें तो कर्नाटका, देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूं। लोकसभा से जो आप एमपी चुनते हैं, जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो आपके प्रधानमंत्री को जाके चुनता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे लगभग कांग्रेस को अगर बहुत सारे वोटिंग कर दिए या बीजेपी को बहुत सारी वोटिंग कर दिए, तो वो क्या करेंगे, वो अपने प्रतिनिधि जो होंगे पीएमओ होंगे जो उनको चुनेंगे जाके, अपने एमपीज होंगे। पर आपके क्षेत्र में जो कार्य करता है, सपोज मान लो आपके क्षेत्र में कांग्रेस कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, तो ऐसा नहीं है कि आप बीजेपी को वोट दे दें, नहीं, आप अपने उस एमपी को वोट दें जो आपके क्षेत्र में कार्य करता है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा लोकतांत्रिक निश्चय होता है, ठीक है, तो ये आपका निर्णय होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप जो आपका एमपी काम नहीं करता है और आपने उसको वोट दे दिया और सपोज वहाँ पे आपके 5 साल तक आपके क्षेत्र में वो घूमने ही नहीं आया, तो ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सोच समझ के ही अपना प्रतिनिधि चुना जाता है। इसलिए लोकसभा का जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनता है और राज्यसभा का जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो आपके राज्य के मुख्यमंत्रियों को चुनता है। ओके, कर्नाटक की बात कर ले तो यहाँ पे 28 सीटें हैं लोकसभा की, 12 हैं विधानसभा की। केरला की बात कर लें तो यहाँ पे 20 सीटें होती हैं दोस्तों आपकी लोकसभा में और 9 सीटें होती हैं राज्यसभा की। लक्षद्वीप, देखिए ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे 1 ही सीट है और यहाँ पे राज्यसभा की कोई सीट नहीं है। चलिए मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की और 11 सीटें हैं राज्यसभा की। ओके, महाराष्ट्र में चलें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें होती हैं दोस्तों यहाँ पे लोकसभा की और 19, देखिए अभी तक का सबसे हाईएस्ट देखा जाए अगर तो हमें कौन मिला है, तो महाराष्ट्र मिला है। 48 सीटें हैं यहाँ पे लोकसभा की और 19 है यहाँ पे राज्यसभा की। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों मणिपुर, तो मणिपुर में यहाँ पे 2 सीटें हैं और 1 है आपके राज्यसभा की। मेघालय में भी 2 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की हैं। मिजोरम की बात कर लेते हैं, देखिए सब अल्फाबेटिकली यहाँ पे मैंने सजाया है इसको ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। मिजोरम की बात हुई है तो यहाँ पे 1 है और 1 है यहाँ पे राज्यसभा की, ठीक है। नागालैंड में भी 1 लोकसभा और 1 आपका राज्यसभा का सीट है। जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है, अब देखिए दिल्ली भी एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, पर आपको बता दें कि यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं वो टोटल 7 हैं और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 3 हैं। तो राज्यसभा में आपको तो 4 मतलब सीटें होती हैं, ठीक है, थीके? जो कि प्रतिनिधि करती है आपके राज्यों के, ठीक है। तो ये टेरिटरी 3 जो है यहाँ पे न्यू दिल्ली का, ये आपको 3 सीटें तो यहीं हो गई और किसी भी राज्य में इसका अलग से एक सीट भी नहीं है अभी तक। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे चौथा सीट हमें मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे उड़ीसा की, तो 21 है लोकसभा की और 10 सीटें हैं आपकी राज्यसभा की। पांडिचेरी की बात कर ले तो 1 है आपका लोकसभा का और 1 है आपका राज्यसभा का। तो यहाँ पांडिचेरी जो है आपका दोस्तों ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो 3 और 1 ये 4 टोटल हो गए, 4 आपके जो कि केंद्र शासित प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा की सीटें,
ओके तो ये कंफर्म हो गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कितने सीटें आपको रिप्रेजेंट करेगी, तो 4 सीटें जो कि केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा की सीटें रिप्रेजेंट करती हैं। ओके पंजाब की बात कर ले तो 13 है, ये आज का क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी जेई में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने होंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। और 7 सीटें हैं दोस्तों यहां पे किसकी, तो राज्यसभा की पंजाब में। ओके अगला देखते हैं राजस्थान का, 25 है लोकसभा में और 10 है आपका विधान आपका राज्यसभा का। सिक्किम में बात कर ले तो 1 है लोकसभा और 1 है राज्यसभा। तमिलनाडु की बात कर ले तो 39 है और यहाँ पे 18 है राज्यसभा में। तेलंगाना की बात कर ले तो 17 है और आपका लोकसभा और 7 है आपका राज्यसभा। त्रिपुरा की बात कर ले तो 2 है आपका लोकसभा और 1 है आपका राज्यसभा। उत्तर प्रदेश और ये क्षेत्र जो है वो आपका सबसे हाईएस्ट एमपी वाला क्षेत्र है। तो ये देखिए 80 सीटें होती हैं यहाँ पे आपके लोकसभा की। तो कहते हैं कि जो लोग एमपी से सबसे ज़्यादा सीटें ले आती है जो भी पार्टी, उसका यहाँ सरकार बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये हर स्टेट में अलग अलग देखा जाए तो सबका कम है। सिर्फ एक महाराष्ट्र का 48 है और एक बिहार का 40 है, उसके बाद एक 42 है आपका आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा छोड़कर यहाँ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक लोकसभा वाला क्षेत्र है और विधानसभा में भी सबसे हाईएस्ट रखता है। तो उत्तर प्रदेश, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जो कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट रखता है, तो आपको क्वेश्चन रखना है देखिए उत्तर प्रदेश सिर्फ लोकसभा के लिए, और आपको विधानसभा के लिए भी उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीट रखने वाला क्षेत्र है। ओके चलिए उत्तराखंड की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ 5 है लोकसभा और 3 है राज्यसभा की। वेस्ट बंगाल के भी ये हाईएस्ट है देखिए, और ये है बंगाल में 42 है और 16 है आपका राज्यसभा का। तो सबसे हाईएस्ट में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद हम बात कर ले तो महाराष्ट्र है, उसके बाद बात कर ले तो वेस्ट बंगाल है, और उसके बाद अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा दोस्त हो यहाँ पे आपका बिहार है, और बिहार के बाद बात कर ले तो आंध्र प्रदेश है जो कि 25 है यहाँ पे। ओके तो दोस्तों आशा करते हैं कि गुजरात भी है दोस्तों उससे पहले, 28 कर्नाटक भी है, चलिए 28 है, फिर उसके बाद 26 है गुजरात और उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश। तो जितने भी यहाँ पे टेरिटरीज हैं उसको याद रखिएगा, क्योंकि कल हो सकता है क्वेश्चन आपके यूनियन टेरिटरी के लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूछा जा सकता है। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे सारा क्लियर आउट कर दिया है। तो ये वीडियो को आप एक बार लाइक कर लीजिएगा जाते जाते, अगर अच्छा नॉलेज लगा हो तो आपको, और ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा ये आप जान लीजिए। मैंने बता ही दिया है कि सबसे हाईएस्ट लोकसभा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 80 है, विधानसभा में 31 है, उत्तर प्रदेश का ही सबसे हाईएस्ट। और अगर सबसे यूनियन टेरिटरी में सबसे हाईएस्ट बात किया जाए तो 7 सीटों के साथ, जी हाँ लोकसभा के 7 सीटों के साथ न्यू दिल्ली बताना है आपको, ठीक है। और विधानसभा में भी सबसे हाईएस्ट रखने वाला 3 सीट न्यू दिल्ली ही है, किसमें तो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में। ओके ये क्वेश्चन हो गया एक इंपॉर्टेंट। अब दूसरा क्वेश्चन सबसे लोवेस्ट पूछ सकता है कि सबसे कम वाला, तो देखिए सिक्किम भी है एक यहाँ पे 1 सीट रखता है, पौंडीचेरी है, नागालैंड है, मिजोरम है, लक्षद्वीप है, ये सब हैं आपके एक एक सीट रखने वाले, ठीक है, जो कि लोकसभा में भी और विधानसभा में भी रखे हैं, ठीक है। पर केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली के पास 1 है और पौंडीचेरी के पास, दिल्ली के पास 3 है और पौंडीचेरी के पास 1 है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जितनी भी जानकारी मैंने दी है यहाँ पे आपको वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगे और आप इसको वहाँ पे एग्जाम में करके आओगे। आरआरबी जेई का जितना भी एग्जाम का जीके का कल क्वेश्चन मिलेगा वो भी आप तक शेयर करेंगे, और सेकेंड शिफ्ट का अभी जैसे ही उसका जीके का क्वेश्चन हमें मिलेगा वो हम अपने चैनल पर शेयर कर देंगे। तो प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आपके जीके के। चलिए आज के लिए इतना ही था दोस्तों, हमारे साथ बने रहें इसके बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, चलिए एक लाइक तो बनता है यार, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, और इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे भी, और आप सक्सेस की 98 पे भी जाके इसका ले सकते हैं पीडीएफ। ओके चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।